नमस्कार दोस्तों, देश में एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार देखने को मिल रही है। कारण कई हैं, बताने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ सुन चुके हैं आप। लेकिन दे दनादन वैक्सीनेशन भी अब जारी है। अब 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीका लगाया जा रहा है। 6.5 करोड़ से ज्यादा डोज भी दी जा चुकी हैं। तो भारत अब तक दुनिया के 84 देशों को कोरोना की 6.40 करोड़ से ज्यादा डोज दे चुका है। इन देशों को या तो तोहफे या कॉन्ट्रैक्ट या फिर वैक्सीन कोवैक्स सुविधा के तहत दी गई है, जो इन देशों की मदद करने के लिए WHO ने बनाई है। दुनिया को वैक्सीन बांटकर वैक्सीन डिप्लोमेसी में भारत चीन और अमेरिका से भी आगे निकल चुका है। तो ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों की तो इसमें बखतमी नहीं है। मतलब देश की फार्मा कंपनियों और वैज्ञानिकों की मेहनत ने देश को एक नई पहचान दिलाई है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच भारत के साथ एक बड़ी हरकत हुई है। वैसे तो भारत के साथ ऐसा पहले भी होता आया है अलग अलग फील्ड्स में, लेकिन वैक्सीन इंडस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है। एक्सपर्ट इसे बड़ी साजिश बता रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी साजिश को डिकोड करने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, कोरोना से करा रहे ब्राजील को भारत ने तगड़ी मदद पहुंचाई थी। मोदी और बोलसोनारो के बीच जिगरी दोस्ती जैसे अल्फाज यूज हो रहे थे, वहां अब एक बड़ी इंटरनेशनल साजिश की बू आ रही है। ये साजिश क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन इससे पहले आप ये जान लीजिए कि कोरोना के काल में मदद का हाथ बढ़ाते हुए भारत ने कोरोना वैक्सीन की 20 लाख खुराक ब्राजील पहुंचाई थी। तब राष्ट्रपति जेयर बोलसोनारो खुशी से उछल पड़े थे। ताबड़तोड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद पर धन्यवाद तो दिया ही, साथ ही उन्होंने ट्वीट में भगवान हनुमान की संजीवनी बूटी ले जाते हुए तस्वीर भी शेयर की थी। भारत समेत पीएम मोदी का इस मुश्किल वक्त में साथ देने के लिए आभार भी व्यक्त किया था। इससे पहले भारत ने ब्राजील की भारी मांग पर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की टैबलेट्स भी भेजी थी। तब भी दोस्ती वाला माहौल सातवें आसमान पर था, लेकिन अचानक उसी ब्राजील ने भारत को तगड़ा झटका दिया है। दोस्तों, ब्राजील सरकार ने तपाक से भारतीय फार्मा कंपनी भारत बायोटेक की वैक्सीन लेने से साफ इनकार कर दिया है। कंपनी को 2 करोड़ डोज वैक्सीन का ऑर्डर दिया गया था। ब्राजील में 1 अप्रैल से बड़ा टीकाकरण अभियान भी चलाया जाना था, लेकिन सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए वैक्सीन इंपोर्ट पर ही रोक लगा दी। ब्राजील ने कहा कि भारत में बनी कोवैक्सीन GMP यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस पर खरा ही नहीं उतर रही है, यानी ये वैक्सीन उसके लिए बेकार है, काम की नहीं है। लेकिन इस बीच भारत बायोटेक ने कहा है कि ब्राजील सरकार आखिर ऐसा क्यों कह रही है, कंपनी उनकी गलतफहमियां दूर करने की कोशिश कर रही है। भारत बायोटेक और उसकी ब्राजीलियाई पार्टनर प्रिसिसा मेडिकामेंटोस ने इस मामले पर एक बयान जारी करके कहा है कि वो इस फैसले पर अपील करेंगे और इस बात का सबूत भी पेश करेंगे कि वैक्सीन के निर्माण में सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है। कंपनी का दावा है कि फेज 3 के ट्रायल में कोवैक्सीन की क्षमता 81% से लेकर 83% तक मिली है और ये कोरोना के सभी स्ट्रेन्स पर कारगर साबित हुई है। भारत की वैक्सीन को ब्राजील का रेड सिग्नल क्यों? खैर दोस्तों, अब यहीं से ये सवाल भी उठने लगे हैं कि जब भारत ब्राजील के बीच रिश्ते पटरी पर हैं तो फिर अचानक बोलसोनारो सरकार ने ये स्टेप क्यों उठाया? सवाल लाजमी है, इसलिए भी है क्योंकि दुनिया के 40 से ज्यादा देशों ने इस वैक्सीन में रुचि दिखाई है। खुद मोदी ने इसी वैक्सीन की डोज ली है। इसके किसी तरह के बड़े साइड इफेक्ट भी सामने नहीं आए हैं, जितना बाकी वैक्सीन को लेकर के देखने को मिले हैं। दुनिया के 5 देश तो इसका अप्रूवल भी दे चुके हैं। भारत बायोटेक ने फरवरी के आखिरी सप्ताह में ब्राजील के साथ कोवैक्सीन टीके की 2 करोड़ खुराक की पूर्ति करने की पुष्टि की थी। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगे बढ़कर भारत बायोटेक के साथ ही डील की थी। ये समझौता उस दिन किया गया था जब ब्राजील में संक्रमण से मौत का आंकड़ा 2.5 लाख पहुंच गया था। ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोलसोनारो की तरफ से बताया गया था कि कोवैक्सीन टीके की 80 लाख खुराक की पहली खेप मार्च में आ जाएगी, लेकिन अब सरकार ने इस वैक्सीन के इंपोर्ट पर ही
बैन लगा दिया है, वो भी तब जब ब्राजील में वैक्सीन की भारी कमी है। 21 करोड़ की आबादी वाले इस कंट्री में केवल 4% लोगों को ही वैक्सीन लगी है। लिहाजा सवाल ये है कि बोलसोनारो सरकार की अब वो कौन सी मजबूरी है जिसके आगे उनकी सरकार को झुकना पड़ गया। तो दोस्तों, एक्सपर्ट्स ब्राजील के इस रेड सिग्नल को लेकर अमेरिकी फार्मा इंडस्ट्री पर अंगुली उठा रहे हैं, जो कोरोना काल में भारतीय कंपनियों के आगे बढ़ने से परेशान हो रही थी, तिलमिलाई हुई थी। इनमें भी जिस कंपनी का नाम सबसे ऊपर आ रहा है वो है फाइजर, वही फाइजर जिसकी वैक्सीन को मोदी सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। क्योंकि दोस्तों, ये कंपनी सरकार को ब्लैकमेल कर रही थी कि वो बिना डॉक्यूमेंट्स के और बिना ट्रायल डेटा के दिखाए ही उनकी वैक्सीन को भारत में अप्रूवल दे दें। मोदी सरकार ने ये अप्रूवल देने से साफ इनकार कर दिया, तो ये कंपनियां भारतीय कंपनियों के खिलाफ बड़े गंदा खेल खेलने में लग गई हैं। चूंकि ब्राजील में इसी कंपनी की अंदर खाने तगड़ी पैठ है, तगड़ी पकड़ है। बड़ी बात तो ये है कि भारत बायोटेक ने 8 मार्च को ब्राजील में वैक्सीन के आपात इस्तेमाल के लिए आवेदन किया था, और तभी अमेरिकी कंपनी फाइजर ने तुरंत दावा कर दिया कि उनकी वैक्सीन ब्राजील के लिए बेस्ट है, ब्राजील वाले स्ट्रेन पर इसकी वैक्सीन कारगर है। बड़ी बात तो ये है कि अमेरिका की ये फार्मा कंपनी भारत की वैक्सीन को मिली कामयाबी से बुरी तरह तिलमिलाई हुई है और ब्राजील से मिले बड़े ऑर्डर को लेकर परेशान थी। हालांकि वैक्सीन की दौड़ में बुरी तरह पिछड़ा चीन और रूस भी कमबैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं, और वो भी बड़ा गेम करने की जुगत में है, लेकिन दुनिया में इनकी वैक्सीन को लेकर भरोसा बहुत कम बन पा रहा है। फिलहाल अमेरिकन कंपनियों की वैक्सीन ज़्यादा मुनाफा कूटने में लगी हैं, जिनके कई बड़े साइड इफेक्ट्स सामने आ चुके हैं, लेकिन भारतीय कंपनियों की जो वैक्सीन है वो काफ़ी कारगर साबित हुई हैं, साइड इफेक्ट बहुत कम हैं, और इसी से ये कंपनियाँ डरी हुई थी। भारत की फार्मा इंडस्ट्री पर पड़ सकता है बड़ा असर। दोस्तों, भारत में सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से बनाई जा रही एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोविशील्ड को साउथ अफ्रीका में बैन कर दिया गया था। वहां भी फाइजर का ही एंगल सामने आया था, कहा गया था कि कोरोना के अफ्रीकी अवतार पर यह वैक्सीन असर नहीं करती है और फाइजर वाली काम कर लेती है। तो यूरोपियन कंट्रीज ने भी एक के बाद एक ये कहते हुए इस वैक्सीन पर बैन लगा दिया कि इससे खून के थक्के बन रहे हैं। खैर, यूरोपियन देश अब एक के बाद एक इस मेड इन इंडिया वैक्सीन से बैन हटा रहे हैं और वहां वैक्सीनेशन भी होने लगा है, लेकिन ब्राजील की ओर से भारत बायोटेक को दिया गया झटका ज़्यादा नुकसान वाला साबित हो सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन है, भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है। लेकिन इस वैक्सीन पर उठ रहे सवालों से देश की वैक्सीन इंडस्ट्री की साख पर बट्टा लग सकता है, क्योंकि इसे ईरान, नेपाल, मॉरिशस, पैराग्वे और जिम्बाब्वे समेत कई देशों ने आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है और अपने वैक्सीनेशन ड्राइव में शामिल किया है। भारत बायोटेक ने ब्राजील के अलावा थाईलैंड और फिलीपींस में भी मंजूरी के लिए आवेदन किया है। 40 देशों ने कोवैक्सीन में रुचि दिखाई है। भारत में तेजी से वैक्सीनेशन चल रहा है, लिहाजा दुनिया की दिग्गज फार्मा कंपनियों के चक्रव्यूह से देश की साख को बचाने के लिए एक बेहतर रणनीति की जरूरत है, और मोदी सरकार को इस वक्त सबसे ज्यादा फोकस इसी पर करना चाहिए। खैर, वो चुनाव में लगी है, लेकिन आप इसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं और भारत की इस वैक्सीन को लेकर अमेरिकन इंडस्ट्री किस तरह का जाल बुन सकती है या बुन रही है, आप क्या कुछ सोचते हैं, आप कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं। दोस्तों, नमस्कार।